स्टील इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। बजट सेशन के बाद होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी हमारे सहयोगी से। आलोक, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए काफी अहम मटेरियल होता है स्क्रैप, जिससे कि दोबारा से स्टील बनता है। इस पर अभी जीएसटी 18% है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्टील स्क्रैप पर जो एक सब कमिटी की गठन हुआ था, जीएसटी काउंसिल ने 7 अक्टूबर को गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 18% जीएसटी है उसको घटाकर 12% या उससे कम कर दिया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी नहीं मिलता है उसका फायदा मिले। दरअसल अभी तक जितने भी स्टील स्क्रैप बिकता है मार्केट में वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेचता है, कोई जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता है, लिहाजा उस पर स्टील कंपनियां जो होती हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाती हैं। अगर ये जीएसटी रेट कम होता है तो ऐसे में स्टील कंपनियों को कम नुकसान होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम नुकसान होगा। तो लिहाजा ये एक स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी खबर है, जिस पर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि स्टील स्क्रैप को या तो रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म में लाया जाए या फिर इस पर जीएसटी दरें कम करें। तो जो अब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि स्टील स्क्रैप पर जीएसटी दरों को कम कर दी जाए, क्योंकि रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म को लेकर अभी भी जीएसटी काउंसिल पक्ष में नहीं है। वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, लिहाजा वित्त मंत्रालय भी नहीं चाहता कि आरसीएम यानी रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म इस पर लगाया जाए, और बेटर होगा कि इस पर जीएसटी दरों को ही कम कर दिया जाए। ये सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होने वाली है संसद सत्र के बाद, उसमें इस पर फैसला हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। नजर बनाए रखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक बजट सत्र के बाद होगी, तो उस पर ये फैसला हो सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।